प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के उपलक्ष्य में एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें वक्ताओं ने देश की महान हस्तियों के नक्शे कदम पर चलने का संकल्प लिया। आज गांधी जयंती के उपलक्ष्य में चक्कर की मिलक स्थित जिला सपा कार्यालय पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें वक्ताओं ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा किए गए देश हित में कार्य पर प्रकाश डाला। गोष्ठी के दौरान जिला सचिव हारून सैफी एवं वरिष्ठ सपा नेता हाजिर नासिर कुरैशी ने अपने संबोधन के दौरान कहा, महात्मा गांधी ने देश की आजादी में अहम रोल अदा किया था। वहीं महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे और अहिंसा के बल पर ही उन्होंने देश को फिरंगियों से आजाद कराया। उन्होंने उनके ससुर ने उनको बहुत कुछ दहेज में देना चाहा था, लेकिन उन्होंने बहुत जिद करने के बाद भी एक जिद मानी थी कि मुझे खादी का कुर्ता पजामा आप दे दो। तो दहेज में उन्होंने एक मात्र कुर्ता पजामा लिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। यह उनकी दहेज प्रथा की एक विशेष निशानी है। हमें इससे भी प्रेरणा लेनी चाहिए और जातिवाद से हमें अलग हट करके हमें सिर्फ एक भारतवासी है, हम एक इंसान है, ये हमें सोच करके चलना चाहिए। ये उनका दिया हुआ एक हमारे लिए रास्ता है, एक पैगाम है। अगर हम इस पर चलेंगे तो न जातिवाद रहेगा और ना कोई विरोधाभास रहेगा। हम सब एक इंसान हैं और एक समाज के सब रहने वाले हैं, एक देश में रहने वाले हैं। महात्मा गांधी, बापू जी का और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का मैं दिल की गहराइयों से ख्याल अकीदत पेश करता हूँ और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और कहना चाहता हूँ कि बापू ने इस देश के लिए जो अपने देश की अपनी जान की आहुति दी, बलिदान दिया और उन्होंने इस देश को उचित पहुँचाने का काम किया। साथियों, हम लोग सभी समाजवादी पार्टी के जितने साथी यहाँ बैठे हैं, समाजवादी पार्टी परिवार यहाँ बैठा है, हम सब ये संकल्प लें कि जिस तरह से हम सब हिंदू मुस्लिम भाई यहाँ पर बैठे हैं, इसी तरह से बापू के पद चिन्हों पर चलने का काम करेंगे। और आज इस देश के अंदर जो सरकार चल रही है वो किसी से छुपी नहीं कि वो उन लोगों की है जिन्होंने बापू की हत्या की। हम सब समाजवादी पार्टी परिवार एक दूसरे के जुट होकर के संकल्प लेंगे, जब तक हम 2019 में बापू के उन हत्यारों की उस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम नहीं करेंगे, जब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। एक एक आपस में हम कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी के लीडरान जो कि बापू ने इस देश की लड़ाई लड़ी, अपने जान की और अपनी जान का बलिदान दिया, अपने जान की आहुति दी, हम उनकी उस बलिदान को, उस आहुति को खाली नहीं जाने देंगे। वहीं पूर्व में डॉक्टर एसटी हसन ने बताया कि महात्मा गांधी कभी देश का बंटवारा नहीं चाहते थे। देश की आजादी के वक्त जो हिंसा हुई थी उसी के चलते कोलकाता में महात्मा गांधी ने हिंसा को रोकने के लिए अनशन भी किया था। कोई मामूली नाम नहीं है जो बैरिस्टर होकर जिसने हमें हमारे देश को आजाद कराने के लिए सब कुछ त्यागने के बाद बहुत बड़ी कुर्बानियां दी गई। और एक वक्त वो आया कि जब हिंदुस्तान के बंटवारे की बात होने लगी। साथियों, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो पर्दे के पीछे हैं, मैं आप बहुत सी बातें ऐसी हैं जो आपको और मुझे पता नहीं है। हिंदुस्तान का बंटवारा गांधी जी हरगिज़ नहीं चाहते थे और हिंदुस्तान के बंटवारे में सिर्फ मोहम्मद अली जिन्ना का हाथ नहीं था बल्कि कुछ हमारे नेताओं का, कट्टरपंथी सोच रखने वाले लोगों का भी हाथ था। आपने कभी ये गौर किया कि उस वक्त गांधी जी कहाँ थे? ना वो लाल किले पे थे, ना वो पार्लियामेंट में थे, आखिर क्यों? 15 अगस्त की रात में गांधी का देश के बंटवारों की बात शुरू हो गई है, ये देश कहाँ जाएगा? क्या नाथूराम गोडसे का मंदिर बनाने की बात नहीं हो रही है? क्या हम किस जगह पर हैं? कभी सोचिएगा, एक ऐसे शख्स, एक ऐसे महान शख्स जिसने अपना हिंसा का पैगाम पूरी दुनिया को दिया और आज भी दुनिया उसको मानती है। गैर मुल्कों के अंदर उनके स्टैचू लगे हुए हैं और हम उनके मारने वाले की आज हम पूजा करने जा रहे हैं। क्या ऐसे लोग
हमारे देश के हितैषी हैं या वो देशद्रोही हैं, ये फैसले। बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष राजीव सिंघल ने की तो संचालन जिला महासचिव लईक अंसारी ने किया। देखिए, पार्टी कार्यालय में जो पूर्वक हमारे जो प्रधानमंत्री और जो हमारे बाबा साहब गांधी जी, जो उन्होंने हमारे देश को तरक्की की तरफ लेके गए और सारे राष्ट्रीय के जो सारे हमारे समाजवादी पार्टी के जो भी पूर्वक विधायक एवं विधायक जी और हमारे समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष राजीव सिंघल साहब, सबको ये निर्देश दिए हैं कि जो बाबा साहब के बताए रास्ते पे चलेंगे तो देश बहुत आगे बढ़ेगा। और सबने इस शुभ अवसर पर सबने एक संकल्प लिया है और समाजवादी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारीगण हैं, नेतागण हैं, सबने एक संकल्प लिया है कि देश के हित के लिए और गंगा जमुना तहजीब के लिए हमें सबको भाईचारा बना के रहना चाहिए। और हम ऐसे जो पार्टी के जो आज की डेट में जो सरकार चल रही है वो भाई से भाई को लड़ाने का जो कार्य कर रही है और आने वाले समय में 2019 की जो नीतियां हैं उस पर गौर देने के लिए और सबको निर्देश दिए हैं। आज जिला कार्यालय पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के उपलक्ष्य में एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें कि जिले से तमाम पदाधिकारी, नेतागण और पार्टी के कार्यकर्तागण मौजूद रहे और सभी ने फूलमाला चढ़ाकर, दोनों महान विभूतियों के चित्रों पर फूलमाला चढ़ाकर उनको नमन किया। अच्छा, सपा हाईकमान द्वारा क्या निर्देश मिले हैं हर विधानसभा में सम्मेलन को? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देशानुसार पूरे उत्तर प्रदेश की समस्त विधानसभाओं में विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन 3 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक आयोजित किए जाएंगे। मुरादाबाद जनपद में विधानसभा बार तिथि बताने का कष्ट करेंगे? मुरादाबाद जिले में 6 विधानसभा हैं, 3 अक्टूबर को 3 अक्टूबर 2018 यानी कि कल बिलारी 30 बिलारी विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ता सम्मेलन है। 4 अक्टूबर को ये ठाकुरद्वारा विधानसभा क्षेत्र में ये कार्यकर्ता सम्मेलन है। 6 अक्टूबर को 29 कुंदर की विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित है। 8 अक्टूबर को मुरादाबाद नगर विधानसभा क्षेत्र में ये कार्यक्रम आयोजित है और 9 अक्टूबर को कांठ विधानसभा क्षेत्र में और 10 अक्टूबर को मुरादाबाद देहात विधानसभा क्षेत्र में ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और इन कार्यक्रम में बूथ प्रभारीगण और बूथ सदस्यगण, इन सबको आमंत्रित किया गया है ताकि आगे की एक तो वोट बढ़ाने के बारे में बात की जा सके और पार्टी की रणनीति को आगे बढ़ाने का काम करें। अच्छा, ठाकुरद्वारा विधानसभा में नहीं होगा सम्मेलन? क्या ठाकुरद्वारा विधानसभा में आपने सुना नहीं? आप अपने कैमरे को देखिए, बोला अभी ठाकुरद्वारा का 4 तारीख को ठाकुरद्वारा विधानसभा बोला है। इस दौरान पूर्व सांसद शीशराम रवि विजय, वीर सिंह, बाबर खान, धर्मेंद्र यादव, अमित यादव, असलम पंचायती, सरवर मिर्जा, जुबेर कुरैशी, यास्मीन सैफी, सीमा रस्तोगी सहित काफी संख्या में सपाई मौजूद रहे।